हेलो इंटेलिजेंस, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर गुड। दिस इज़ अक्षय चोपड़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज़ अक्षय चोपड़ा मैथ्स, जहां हम 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स डिस्कस कर रहे थे बेटा। उस सीरीज़ में हम पहुंच चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7th की तरफ, जो कि आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 7.2 और इसके दो क्वेश्चंस रह गए थे 9th एंड 10th, वो हम आज कंप्लीट कर लेंगे और हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 8th, ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, तो शुरू करने से पहले बेटा वही बात है, जितने भी चैप्टर आपके हो चुके हैं सबकी प्लेलिस्ट का लिंक प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो डिस्क्रिप्शन में जाना, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना, ताकि आप अपने डाउट्स क्लियर कर सको, प्लस जो आपके पुराने चैप्टर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट भी ज़रूर 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 चेक करना, बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। सोल्यूशन देखो, 9th क्वेश्चन, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी पॉइंट्स विच डिवाइड्स दी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। मतलब ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है? ए पॉइंट क्या है? -2, 2। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 2, 8। अच्छा, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल। बेटा ऐसा सेम क्वेश्चन हमने 2nd क्वेश्चन करा था पिछली वीडियो में, जिसमें हमने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। यहाँ पे कितने हैं? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पॉइंट मान लो ये हो गया P, एक पॉइंट मान लो ये हो गया Q, एक पॉइंट मान लो ये हो गया R। तो ये 4 हिस्से हो गए ना, 1, 2, 3, 4। आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जितने पार्ट्स में डिवाइड करना है उससे एक कम पॉइंट लगता है हमारे पास। तो ये मान लो कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1, इसके मान लो हो गए x2 y2, इसके मान लो हो गए x3 y3, ठीक है जी? समझ गए? तो हमें ये x1 y1, x2 y2, x3 y3 की वैल्यू फाइंड करनी है, बस और कुछ नहीं। क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है? अब देखो इसको करेंगे कैसे। देखो ज़रा, आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमें अगर पी की वैल्यू फाइंड, मतलब पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, तो क्यू और आर को भूल जाओ। यानी कि हमारी जो डायग्राम बनेगी वो ये बन जाएगी। ये ए पॉइंट है, ये अपना बी पॉइंट है, ठीक है? और ये अपना पी पॉइंट है, x1, y1। ओके, हमें पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, क्यू और आर को भूल जाओ। तो आपको बताया था कि जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है तो सारी रेशियो 1:1 हो जाती है, ठीक है? अब देखो, अगर पी से लेफ्ट में बात करूँ तो कितना पोर्शन है? 1 है। अगर पी से राइट में बात करूँ तो कितना पोर्शन है? 1 + 1 + 1, दैट इज़ 3। यानी कि पी के मामले में जो रेशो आएगी वो रेशो क्या बनेगी? 3:3 बनेगी। क्या बनेगी? 1:3 बनेगी। समझ गए? अब यहाँ से पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लो। तो जो अपना x1 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अब इसको भूल जाओ, ओरिजिनल फिगर को, इसको देखो। x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 × 2 + 3 × -2 अपॉन 1 + 3, ठीक है? तो x1 की वैल्यू क्या आ गई? 2 − 6/4। तो x1 कितना आ गया? -4/4, दैट इज़ -1। y1 की वैल्यू दे लो, y1 क्या बन जाएगा? 1 × 8 + 3 × 2, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई करनी, बार बार बोल रहा हूँ। 1 + 3, ये बन गया 8 + 6/4, ये क्या बन गया? 14/4। कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 7/2, ठीक है? तो ये हमारे पी के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है ना? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर, पी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? x, y। एक तो पॉइंट आ गया, समझ गए? अब सारे ऐसे ही करने हैं, ठीक है ना? अब आगे चलते हैं। आगे देखो ध्यान से, जब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? अब क्यू पॉइंट की। ये देखो, तो मेरी डायग्राम क्या बन जाएगी? ये ए है, ये पॉइंट बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स थे -2, 2, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? -2, 2, बी के थे 2, 8। तो बी के कोऑर्डिनेट्स थे 2, 8। अब ध्यान दो ज़रा, अब हमें क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब हमें क्या करना है बेटा? क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे? पी और आर को भूल जाओ, हमारे पास सिर्फ क्या होगा? एक क्यू पॉइंट, ठीक है? अगर मैं क्यू के लेफ्ट में देखूँ तो कितने हैं? 1 + 1, 2 पोर्शन है। अगर मैं क्यू के राइट में देखूँ तो कितने हैं?
वन प्लस वन टू पोर्शन है। बात को समझ गए? ठीक है, पी के लेफ्ट, क्यू के लेफ्ट में भी टू पोर्शन है, क्यू के राइट में भी टू पोर्शन है। ओके, तो ये क्या बन गया, रेशो सेम हो गई, ये तो मिड पॉइंट बन गया। तो चाहे मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा लो चाहे, ठीक है, सिंपल कर दो। अब देखो तो कैसे करेंगे, ये एक्स टू कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ गई, टू मल्टीप्लाई टू प्लस टू मल्टीप्लाई माइनस टू अपॉन टू प्लस टू। ठीक है जी, तो एक्स टू की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, टू टू ज़ार फोर माइनस फोर अपॉन फोर, फोर माइनस फोर क्या आ गया ज़ीरो, तो ज़ीरो बाय फोर क्या होता है ज़ीरो। चलो एक्स टू की वैल्यू तो आ गई ज़ीरो। अब वाई टू देख लो, वाई टू कितना आएगा, टू मल्टीप्लाई एट प्लस टू मल्टीप्लाई टू, ठीक है, अपॉन टू प्लस टू, तो ये क्या बन गया, सिक्सटीन प्लस फोर अपॉन फोर। तो वाई टू कितना आ गया, y2 आ गया 20 अपॉन 4 दैट इज़ 5। y2 की वैल्यू क्या आ गई 5, यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ q, यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ q क्या आ गए 0.5। ठीक है, अब किसकी बारी है, r की बारी है, r निकाल लो। ठीक है, r के लिए क्या होगा बेटा, r के लिए क्या हो जाएगा, ये अपना a पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, उनको ज्वाइन करने वाली ये आ गई लाइन, ठीक है, और ये है अपना पॉइंट नंबर आर, एक्स थ्री कोमा वाई थ्री। अब आर को देख लो बेटा, अगर हम आर को देखेंगे तो आर के लेफ्ट में कितना पोर्शन है, वन टू थ्री, राइट में, आर के राइट में कितना पोर्शन है, वन, तो ये रेशो क्या बन जाएगी बेटा, 3:1। ठीक है, बस अब सेक्शन फॉर्मूला फिर से लगाओ, क्वेश्चन ख़त्म करो। तो एक्स थ्री कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आएगी, थ्री मल्टीप्लाई टू प्लस वन मल्टीप्लाई माइनस टू अपॉन थ्री प्लस वन, दैट इज सिक्स माइनस टू अपॉन फोर, यानी कि फोर बाय फोर, जिसकी कटिंग करेंगे क्या आ जाएगा, वन। तो एक्स थ्री की वैल्यू तो आ गई वन। अब वाई थ्री देखो, वाई थ्री क्या आ जाएगा, थ्री मल्टीप्लाई एट प्लस वन मल्टीप्लाई टू अपॉन थ्री प्लस वन, ये क्या बन गया, इलेवन प्लस टू बाय फोर दैट इज़ थर्टीन अपॉन फोर। चलो जी, तो ये क्या बन गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर क्या बन गए, एक्स कोमा वाई। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन ख़त्म, तीन पॉइंट्स थे, तीनों के हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे। चलो जी, हो गया काम। अब देखो ध्यान से, एक तुमको बात बतानी है क्यू के बारे में बेटा। जैसे ये क्यू था, रेशो सेम हो गई ना दोनों तरफ, मैंने आपको बोला जब दोनों तरफ रेशो सेम हो जाती है, वो कौन सा केस होता है, जब ये क्या बन जाता है, मिड पॉइंट बन जाता है। ठीक है, हमने अब सेक्शन फॉर्मूला लगा के कर लिया, आप बेटा इसको मिडल पॉइंट से भी कर सकते हो। तो मिडल पॉइंट के अकॉर्डिंग एक्स टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली एक्स कोऑर्डिनेट्स को प्लस करो, माइनस टू प्लस टू, समझ गए ना, माइनस टू प्लस टू डिवाइड बाय टू, यानी कि ज़ीरो बाय टू कितना आ गया, ज़ीरो, और ये देख लो एक्स टू की वैल्यू ज़ीरो ही आई है। ठीक है, सिंपली आप क्या करो, y2 की वैल्यू फाइंड कर लो, y2 की वैल्यू क्या आएगी, y2 की वैल्यू आएगी, y कोऑर्डिनेट्स को प्लस कर लो, 2 प्लस 8 डिवाइड बाय 2, 2 प्लस 8 डिवाइड बाय 2, यानी कि 10 बाय 2 आंसर कितना आ गया, 5, और ये देख लो y2 की वैल्यू 5 ही आई थी, तो ये छोटा आ गया ना दो लाइन। ठीक है, तो ये क्या, जब दोनों तरफ रेशो सेम आ जाए, इट मीन्स वो मिड पॉइंट का ही क्वेश्चन है, और सिंपली मिडल पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ और दो लाइनों में आंसर को पा जाओ। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का भी। देखो टेंथ क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ़ द वर्सेस आर 1, 2, 3, 4 टेकन इन द ऑर्डर। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। देखो फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। रोम्बस कुछ ऐसी फिगर होती है, ठीक है, ये ऐसी फिगर होती है कुछ रोम्बस, ये मान लो ए पॉइंट है, अच्छा पॉइंट नहीं उसने दिए हुए, पॉइंट हम खुद, ठीक है, बी पॉइंट है ये 4.5, सी पॉइंट है ये -1.4 और डी पॉइंट है ये -2, -1। अच्छा ये टेकन इन ऑर्डर का मतलब यही है कि बेटा इनको इसी सीरियल ऑर्डर में रखना है, कि ये फर्स्ट पॉइंट है,
ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है। अपनी तरफ से नहीं मुंह उठा के फर्स्ट यहाँ रख दिया, सेकंड यहाँ रख दिया, थर्ड इधर, फोर्थ, ऐसे ऑर्डर में चलना है, ठीक है पूरा। अब देखो बेटा, तुमको पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि जो रोम्बस का एरिया होता है ना, पहले तो लिख लो इंग्लिश में, चलो लेट ए बी सी एंड डी, ठीक है। सी तो ये था ना, -1, 4, और डी पॉइंट है -2, -1। बी दी पॉइंट्स ऑफ दी रोम्बस टेकन इन ऑर्डर, ठीक है जी, ऑफ दी रोम्बस। अब देखो बेटा, जो रोम्बस का एरिया होता है ना, एरिया बिल्कुल सिंपल होता है। क्या होता है, दोनों के डायगनल्स को कर दो मल्टीप्लाई। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। क्या फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स डिवाइड बाय 2। डायगनल्स को प्रोडक्ट करके 2 से डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे डायगनल क्या है, एक तो डी वी है डायगनल, दूसरा डायगनल क्या है, ए सी है डायगनल। यानी आप बी डी की वैल्यू निकालो, ए सी की वैल्यू निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो, बन गया आपका एरिया। और अब देखो, ए सी और बी डी निकालने का मतलब क्या है, ए सी का मतलब क्या, लास्ट एक्सरसाइज में बताया था ए और सी में डिस्टेंस। ए सी क्या है, ए और सी का डिस्टेंस। डी बी का मतलब क्या है, डी और बी का डिस्टेंस। यानी कि ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, ये पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ए सी का डिस्टेंस फाइंड करो, वो क्या बन जाएगा, 3 -1, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो उसका स्क्वायर, प्लस दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो, 0 -4 उसका स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, 3 + 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ठीक है। अब सीधा लिख दूँ, 3 + 1 कितना होता है, 4, 4 / 2 कितनी हो गई, 16, ओके। तो यहाँ पे भी 16, कितना आंसर आ गया, 32, ठीक है, कितना आ गया, 32। अब बी डी की वैल्यू निकाल दो, बी डी कितना हो जाएगा, बी और डी में डिस्टेंस, -2 -4 उसका स्क्वायर, प्लस -1 -5 उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन गया, -6² + -6² क्या बन गया, ये 36 + 36 यानी कि √72। अब बेटा 32 को सोल्व कर लेना, वो क्या बन जाएगा, 4√2 यूनिट्स, ठीक है। ऐसे करके सोल्व करना है, समझ गए ना। 72 का रूट क्या आ जाएगा, 72 का आ जाएगा आई थिंक 6√2 यूनिट्स, ठीक है, ये बन जाएगा 6√2, ओके। अब देखो, ए सी आ गया, बी डी आ गया, हमें क्या करना है, कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाना बस। तो एरिया क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स डिवाइड बाय 2। डायगनल कौन से हैं, 4√2 × 6√2 / 2। एक डायगनल ये था, एक डायगनल ये था। अब देखो बेटा, इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है, इसका मतलब एक्चुअली ये होता है, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है ना, ठीक है, यही तो होता है। अब देखो, 4 और 6 ये मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे, 24, और √2 और √2 मल्टीप्लाई होके 2 बन जाएगा। क्यों बेटा, ये देखो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि ये रूट के अंदर जब ऐसे सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो रूट कट जाता है, ए बन जाता है, ठीक है। इसके पीछे भी ये कहानी है, कभी शॉर्ट्स में बताऊंगा, ठीक है। तो ये ए बन जाता है, इसी तरह से ये क्या है, √2, ए की जगह 2 है ना, अगर रूट ए और रूट ए मल्टीप्लाई हो गए, 8 बन ए बन गया, उसी तरह से √2 और √2 मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा, 2 2 कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 24 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। यूनिट का मतलब क्या होगा, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी दिया हो तो एरिया हमेशा √2 में होता है ना, तो इसको यूनिट स्क्वायर लिख लो, या इसको ऐसे लिख लो, 24 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, जैसे मर्जी लिख लो। तो ये था बेटा आपका चैप्टर नंबर 7, जो कि ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8th चैप्टर के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।